बड़वानी जिले के पाटी नगर में किराना दुकान पर लूट की वारदात करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट का खुलासा करते हुए एसपी ने आरोपियों से लूट गए 4,000 रूपए, नकदी सहित एक पल्सर बाइक और दो मोबाइल जब्त किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। धार जिले के खांडापुरा थाना बाग निवासी कृष्णा ने अपने साथी देवदा निवासी अनसिंह उर्फ अंशु मंडलोई और मुकेश के साथ मिलकर लूट की थी। आरोपियों ने 11 अक्टूबर को बोकराटा रोड पाटी स्थित किराना दुकान पर फरियादी प्रीति सिंह जादौन के हाथ पकड़कर लोहे की सरिये से मारपीट कर गले में रखे 7,000 रूपए लूट लिए थे। पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है। बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र की घटना। 14 तारीख को पाटी क्षेत्र में एक दुकान के गल्ले पर से पैसे छीनने की बात पर से हमने एक लूट का प्रकरण थाना पाटी में दर्ज किया था। तब से ही लगातार हमारी टीमें जो है हमारे SDOP और थाना प्रभारी पाटी के नेतृत्व में लगातार इस मामले की पड़ताल में लगी हुई थी। स्थानीय हमारे जो लोग हैं उन सबसे पूछताछ, जो हमारी तकनीकी साक्ष्य हैं उनका संकलन, और इसको करते हुए हमने अंत में दो लोगों को शॉर्ट डाउन किया कि जो लोग ये प्रकरण में इन्वॉल्व थे, जो इस अपराध में इन्वॉल्व थे, ये मूलतः धार जिले के अपराधी थे और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से मशरूका और इनकी घटना में उपस्थिति के संबंध में जो अन्य साक्ष्य हैं वो संकलित किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें से जो एक आरोपी है वो पहले भी लूट और चोरी जैसे अपराधों में संलग्न रहा है, संलिप्त रहा है। जो अन्य आरोपी है उसका भी हम लोग रिकॉर्ड अभी पता करवा रहे हैं, जो किसी के लिए हमारे पास उपलब्ध होगा तो इनके हम आगे की भी जो सक्षम कार्रवाई है जिला बदर और अन्य जो प्रस्तावित कार्रवाइयां हैं वो हम कराएंगे। सभी आरोपी राउंडअप है, इसमें अभी हमारे पास कुल 3 आरोपी हैं। 2 आरोपी हमने राउंडअप कर लिए हैं, एक अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। सर, जो आरोपी आए थे तो वो कोई डकैती डालने ही आए थे या इस पर कोई कार्रवाई में शामिल? देखिए, ये लोग जैसा मैंने कहा, इसमें एक व्यक्ति का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है तो निश्चित तौर पर इनके आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनको जहां मौका मिला, जहां इनको जगह सही दिखी कि अपना अपराध कारित कर सकते हैं, वहां पे ये घटना को अंजाम देते हैं और शायद उस दिन भी ऐसा हुआ। सर, कहां के रहने वाले? ये मूलतः धार जिले के रहने वाले। सभी? हाँ, सभी।